वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल। कंप्यूटर थ्योरी लेक्चर नंबर 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम इनपुट डिवाइसेस को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस को समझने से पहले विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि इनपुट क्या है। इसकी परिभाषा सुनिए। इनपुट डिवाइसेस अथवा इनपुट में क्या संबंध है? परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी, जिन माध्यमों के द्वारा मानव अर्थात व्यक्ति कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करता है वह प्रक्रिया इनपुट प्रक्रिया कहलाती है। इनपुट प्रक्रिया में जिन डिवाइसेस अर्थात उपकरणों का उपयोग होता है वे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। कंप्यूटर थ्योरी लेक्चर नंबर 1 में आप सभी विद्यार्थियों को यह बात बहुत अच्छे से समझा दी गई है। अब तक आप लोग जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप सबसे पहले हमारे लेक्चर नंबर 1 को सुनिए और उसके पश्चात लेक्चर नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए। आज का हमारा पहला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। कीबोर्ड जिसे हम टेक्स्ट एंट्री डिवाइस के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे डेटा एंट्री डिवाइस के नाम से भी पुकारते हैं। एक मानक कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। मैक्सिमम इनकी संख्या 120 होती है। प्रत्येक कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती हैं। कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की अर्थात सबसे लंबा बटन स्पेस का होता है। कीबोर्ड में 5 कॉम्बिनेशन बटन होते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट, विंडोज व इंसर्ट। कंप्यूटर में 2 टॉगल बटन होते हैं, कैप्स लॉक और नम लॉक। कॉम्बिनेशन बटन वे बटन जो दूसरे बटन की सहायता के द्वारा कार्य करते हैं कॉम्बिनेशन बटन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है तो आपको कंट्रोल बटन की सहायता लेनी होगी। टॉगल बटन वे बटन जिनका काम निर्धारित होता है वे टॉगल बटन होते हैं। उदाहरण के तौर पर कैप्स लॉक, इस बटन को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऐसा ही दूसरा बटन नम लॉक ऑन अथवा ऑफ होता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम है माउस। इस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इस डिवाइस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन व स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन वृत्त आकार का होता है। स्क्रॉल बटन का कार्य स्क्रीन को ऊपर नीचे करना होता है। वर्तमान में हम लोग ऑप्टिकल माउस का प्रयोग कर रहे हैं। माउस की सहायता से हम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि कीबोर्ड का अल्टरनेटिव माउस ही होता है। अब हमारे पास तीसरा इनपुट डिवाइस स्कैनर है। इसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। ये प्रतिलिपियां PDF अर्थात पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फिर JPEG अर्थात जंप फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप में भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट डिवाइस का नाम है BCR अर्थात बारकोड रीडर। इस यंत्र का प्रयोग बारकोडिंग पढ़ने के लिए किया जाता है। यह बारकोडिंग आप अपनी मार्कशीट या फिर आधार कार्ड पर देख सकते हैं। बारकोड में महत्वपूर्ण सूचनाओं को छुपाकर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आधार कार्ड में जो बारकोडिंग होती है उस बारकोडिंग के अंतर्गत आपका बायोडाटा लिखा हुआ होता है। इस बायोडाटा को रीड करने के लिए आप बारकोड डिवाइस या फिर एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस का नाम है MICR अर्थात
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस उपकरण का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में चेक नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। जब हम लोग किसी भी चेक को भरकर बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंकर इस चेक को कंप्यूटर में सेव करते हैं। कंप्यूटर में सेव करने से पहले चेक पर लिखा मैग्नेटिक इंक नंबर नोट करना होता है। यह नंबर MICR अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर द्वारा नोट किया जाता है और स्वतः ही कंप्यूटर में यह नंबर सेव हो जाता है। इससे हमारा समय भी बचता है और गलती होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम है OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस उपकरण का प्रयोग प्रश्न पत्र चेक करने के लिए किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी को एक प्रश्न के साथ चार ऑप्शन मिलते हैं। विद्यार्थी सही ऑप्शन का चुनाव करके उसे ब्लैक या फिर नीले पेन से भर देता है। विद्यार्थियों द्वारा हल किया गया प्रश्न पत्र OMR डिवाइस चेक करता है। OMR डिवाइस उन उत्तरों की पहचान करता है जिन पर सही का निशान लगा हुआ होता है। OMR जांच पड़ताल करने के पश्चात विद्यार्थी को उचित अंक प्रदान करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम है जॉयस्टिक। यह डिवाइस कार के गियर जैसा होता है। इस डिवाइस का कार्य माउस जैसा होता है। गेम खेलने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इस डिवाइस के माध्यम से ऑब्जेक्ट को आगे पीछे आसानी से किया जा सकता है अर्थात यह माउस से तीव्र गति में कार्य करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम है वेब कैमरा। यह कैमरा आपकी पिक्चर को लेता है और इसे प्रतिमा अर्थात फोटो में कन्वर्ट करके सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसका उदाहरण वीडियो कॉल लिया जा सकता है। वेब कैमरा के पश्चात नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम है लाइट पेन। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक पेन होता है जो इलेक्ट्रिक बोर्ड पर काम करता है। यह साधारण पेन की तरह ही होता है। लाइट पेन की सहायता से आप हैंडराइटिंग कंप्यूटर पर आसानी से कर सकते हैं। इस पेन का उपयोग डिजिटल साइन के लिए किया जाता है। नोटिस: प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानक कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं तो आपका उत्तर होगा 104। यदि शब्द मानक उपयोग ना करके प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं तो आप सदैव उसी ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें बटन की संख्या अर्थात कीज की संख्या अधिक होगी। उदाहरण के लिए आपके पास ऑप्शन है 104, 106, 108 या 110, तो आप 110 बटन पर टिक लगाएंगे। हमें उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को यह लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। लेक्चर के अंत में एक प्रश्न आपको बताना है। क्वालिटी कीपैड के नाम से किस डिवाइस को जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। धन्यवाद।